हेलो व्यूअर्स, आज हम गुजरात के फेमस पात्रा बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगते हैं। इसके लिए मैंने ये अरवी के पत्ते लिए हैं। इसको पीछे से ऐसे निकाल के इसे पूरी डंडी इसकी निकाल लेंगे उल्टा करके ऐसे, और जो बड़ी बड़ी वेंस है उसको भी इस कट कर लेना है, क्योंकि अगर ये मुंह में आएंगी तो खाने में भी नहीं अच्छी लगेगी और मुंह भी इसके छिल जाता है। इसलिए बड़ी बड़ी जो वेंस है पूरी हमें निकाल लेनी है। ये देखिए, ये पूरी मैंने निकाल ली है। अब हम इन पत्तों को अच्छे से धो के पानी में निचोड़ लेंगे ताकि कहीं पर भी डस्ट ना रहे। अब हम एक बाउल में तकरीबन 4 बड़े चम्मच जितना बेसन लेंगे। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। ये हल्दी ली है मैंने 1 चम्मच जितनी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हींग, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये मैंने चाट मसाला लिया है, ये भी इसके अंदर डालेंगे। पहले हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर इमली और गुड़ की चटनी डालेंगे। इसलिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा मीठा पसंद है तो अलग से भी गुड़ थोड़ा डाल सकते हैं। ये मैंने नींबू का आधे नींबू का रस लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी गाढ़ी पेस्ट बना लेंगे। ये हमारी अच्छे से गाढ़ी पेस्ट बन गई है। आप ध्यान रखिए कहीं पर भी ये लम्स न रहे इसके अंदर। अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाए, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये मैंने स्टीमर लिया है। अब हम इसकी प्लेट में पात्रा बना के रखेंगे और 10 से 15 मिनट तक स्टीम होने के लिए रखेंगे। ये अड़ू के पत्ते लिए हैं, अड़वी के पत्ते। ये छोटे पत्ते हैं इसलिए मैं 2 पत्ते ले रही हूँ। अगर बड़ा पान है तो आप 1 भी ले सकते हैं। इसको मैंने उल्टा ऐसे कर लिया है। अब हम इस पर ये पेस्ट लगा के इसको फोल्ड कर लेंगे। ये पेस्ट आपको सेंटर में ज्यादा और साइड में कम डालनी है, क्योंकि फोल्ड करते वक्त थोड़ी ऐसे स्प्रेड होगी और बाहर के पत्तों की तरफ आ जाएगी, इसलिए सेंटर में ही ज्यादा लगानी है। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से आपको करनी है। ये हमारा पात्रा का रोल तैयार हो गया है। अब हम इसको स्टीमर में स्टीम होने के लिए 10 से 15 मिनट तक रख देंगे।
देखिए सारे रोल रेडी हैं और स्टीमर को मैंने पहले ही गर्म करके रखा है। दस पंद्रह मिनट बाद इसको इसमें नाइफ डाल के आपको चेक करना है कि ये पक गया नहीं। अगर इसमें चिपकता है तो मतलब कच्चा है, तो आप और 5 मिनट रख लीजिए। अगर नहीं चिपकता मतलब आपके पात्रा रेडी हैं। ये देखिए हमारे पात्रा रेडी हो गए हैं। अब हम इसको निकाल के कट कर लेंगे। थोड़ा सा पहले ठंडा होने देंगे फिर इसको कट करेंगे। ये हमारे ठंडे हो गए हैं। अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अगर आपको सेलो फ्राई करना है तो थोड़े से बड़े टुकड़े कट करेंगे तो भी चलेगा, और अगर डीप फ्राई करना है तो बिल्कुल पतली पतली कट करें ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे और अच्छे से तल जाए। तो इसको आप अगर डीप फ्राई करते हैं तो 1 महीने तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर सेलो फ्राई करते हैं तो आप इसको फ्रिज में 10 से 15 दिन तक रख सकते हैं। और ऐसे सिर्फ बॉईल किया हुआ जो हमने पात्रा अभी बनाया है ये रखेंगे तो एक महीने से 1.5 महीने तक चल जाता है, और जब चाहे तब आप इसको सेलो फ्राई कर सकते हैं। ये मैंने सारे ऐसे पात्र कट कर लिए हैं। अब हम एक बाउल में ऑयल चढ़ाएंगे, इसके अंदर जीरा, राई, और ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं, धनिया और तिल लिए हैं, नमक, नीम के पत्ते लिए हैं और हरी मिर्च लिए हैं। जब हमारी राई फूटने लगेगी तब ये डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। अब थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब हम इसमें अंदर थोड़ा पानी डालेंगे। और शक्कर डालेंगे। जब हमारी शक्कर इसके अंदर अच्छे से घुल जाए तब हम इसके अंदर हम पात्रा डालेंगे। ये मैंने स्टोर करके रखे हैं क्योंकि अभी इतने सारे मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं बाद में सेलो फ्राई करके यूज करूंगी। अब हल्के हाथों से इसको चला लेंगे। वो 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये पानी का घोल हमें जो इसके अंदर सारे मसाले डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हमारे पात्रा तैयार हो गए हैं। ये मैंने फ्रेश कोकोनट पाउडर लिया है, इसको हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। और इसको अच्छे से चला लेंगे। अब हम कोरिएंडर को चॉप करके इसके ऊपर डाल देंगे। तो तैयार है हमारे गुजरात के फेमस टेस्टी पात्रा। इसको आप फरसाण के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, और अगर डीप फ्राई करके रखते हैं तो इसको स्नैक के तौर पर